भिलाई में फर्स्ट ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस खेलकूद प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों, केंद्रीय शासित प्रदेश और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 33 टीमों ने भाग लिया। साथ ही आईटीबीपी के 1500 से अधिक कोच खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खेलों का आयोजन भिलाई के 3 अलग अलग स्थानों में होना है, जिसमें योगा, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग शामिल है। गृह मंत्री ने मैनेजर, कोच और खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ भूमि में स्वागत किया, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया। अभी निवेदन किया है, यह भी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में विभिन्न बलों के जवान पूरे भारतवर्ष के और छत्तीसगढ़ के ओलंपिक जैसे खेलों में भी स्वर्ण पदक लेकर के आएंगे। 5 बरस पिछली सरकार ने अगर गड़बड़ ना किया होता तो 4 बरस पहले यह रिजल्ट आ चुका होता। बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और मैं सोचता हूं कि अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा काम हो उस पर। हाँ, मैं सब कुछ ठीक है भाई, मसला ये है कि एक जो घटना घटी थी उस घटना के बाद जो कार्यवाहियाँ सरकार ने की, विगत पूर्ववर्ती सरकार को आप देखेंगे तो 5 वर्षों में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस दिन भी जब बीरनपुर की घटना हुई थी तब और कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, ना मुख्यमंत्री देखने गए थे, ना स्थानीय विधायक और मंत्री देखने गए थे। खबर था कि इसमें विषय पर कोई वहां पर नहीं गया था देखने, ना स्थानीय विधायक और मंत्री जो वहां पर मोहम्मद अकबर थे वो गए, ना भूपेश बघेल देखने गए थे। जब यहां आपके भिलाई में ही सरबजीत, क्या नाम है उनका, एक सिख नौजवान था, मलकीत सिंह जी, सिख नौजवान था जिसने यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा था, तो वहीं काट दिए थे उसको। उसके घर कौन गया, कब पूछने गए? अभी राजनीति करने जा रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं वहाँ पर, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।